नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। अलवर जिले के रामगढ़ नगरपालिका कार्यालय भवन पर लगने वाला प्रशासन गांव के संघ शिविर औपचारिक शिविर बनकर रह गया। केवल चिकित्सा विभाग के भरोसे ही चल रहा है। हम आपको बता दें कि एक तरफ राज्य सरकार प्रशासन गांव के संघ शिविर के माध्यम से 22 विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में कार्यालय भवन पर लगने वाला शिविर केवल औपचारिक शिविर बनकर रह गया। सिर्फ चिकित्सा विभाग के डॉक्टर व कर्मचारी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। लोगों के ना तो पट्टे बन पा रहे हैं, ना ही अन्य विभाग के कर्मचारी शिविर में आ रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर निशांत शर्मा हूँ। आज यहाँ हमारे नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ में जो है नगरपालिका रामगढ़ में जो है प्रशासन शहरों के संग जो है उसके शिविर का कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि 22 तारीख से लगातार चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारी चिकित्सा विभाग की जो टीम जो है इस कैंप में उपस्थित है, और यहाँ पे जो है कोविड वैक्सीनेशन जो कि कोरोना के जो टीके लग रहे हैं उनसे पहली और दूसरी डोज से जो लोग वंचित रह गए हैं उनको फील्ड में से मोटिवेट करके हम यहाँ बुला के उनका जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। करौली जिले के टोडा भीम उपखंड के करीरी से मिर्जापुर जाने वाला मार्ग पहले बहुत खराब था। ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए PWD विभाग द्वारा सड़क बनवाने का कार्य चालू करवा दिया। PWD विभाग के नरेश मीणा का कहना है कि रोड को पूरे मापदंडों के हिसाब से बनाया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के चलते 1,00,000 रुपए चोरी का अपराधी पकड़ा गया, जिसे 1,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। रायपुरा पुलिस द्वारा चोरी के एक अभियुक्त इस्माइल पुत्र गुलशन की गिरफ्तारी की गई। इसके कब्जे से 1,00,000 रुपए भी बरामद हुआ है।